दोस्तों नमस्ते। हम हैं आज ग्रेट थार डेजर्ट बीकानेर में, जो अपने शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ऊंचे ऊंचे धोरे हैं, सैंड ड्यून्स हैं और दूर तक पसरा हुआ शुष्क मैदानी इलाका है, जहाँ राजस्थानी वनस्पतियाँ लगी हुई हैं। और इन चारों तरफ वीरान शुष्क रेगिस्तान में से, ऊंचे ऊंचे टीलों में से निकलती हुई भारतीय ट्रेन यहाँ से निकलेगी, जिसको हम दिखाने आए। आज है 28 जनवरी 2024 का दिन, संडे है। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इन, ये जो बीच में दोनों दोरों के बीच में ये लाइन बनी हुई है, और इसी लाइन ने कभी स्टीम लोक को भी चल देखे थे, मीटर गेज भी देखी थी, फिर ब्रॉड गेज से होते हुए डीजल सेक्शन था, और अब डीजल सेक्शन का एंड होने वाला है। और ये देखिए यहाँ की वन्य संपदा, ये सारे के सारे येलो आइड पिजन हैं, जो बहुत ही रेयर है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पिजन है, जो साइबेरिया और रशिया से आए हुए हैं, कजाकिस्तान अफगानिस्तान से। इनकी आँख पीली होती है, और ये सारे के सारे बीकानेर के इस थार मरुस्थल में आए हुए हैं, यहाँ दाना चुग रहे हैं। और आपको जैसे मैं बताऊं कि इनकी 90 से 95% इनकी जनसंख्या समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, केवल 2-5% हैं जिसमें से बीकानेर आए हैं। तो चलो दोस्तों बात करते हैं आज पहली गाड़ी की। आज हम 22307 गाड़ी का बात करते हैं, जो हावड़ा से चलकर बीकानेर को आ रही है। हावड़ा की रंगीन नदियों के साथ, तालाब नदियों से हरियाली से होती हुई शुष्क वीरान रेगिस्तान को क्रॉस करती हुई, ऊंचे ऊंचे टीलों में से निकलते हुए डीजल की ट्रेन आ रही है, जो ट्रेन हम आपको दिखाने वाले। पहली ट्रेन आज हमारी है 22307 हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो ट्राई वीकली है। तो एंजॉय लीजिए। 22307 हावड़ा बीकानेर अराइविंग एट उदयराम सर। चौदह 887 का क्रॉस अभी उदयराम सर में होगा, 14708 रणकपुर के साथ।
14887 का क्रॉस अभी उदयराम सर में होगा, 14708 रणकपुर के साथ। नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और ये ऊंचे ऊंचे टीलों में आज हम आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन से चलते हुए हॉल करते हुए इंजन और उसको ले जाते हुए 14708 दादर बीकानेर रणकपुर एक्सप्रेस को दिखाने वाले। इन टीलों ने स्टीम लोको का भी खूब मज़ा लिया है, फिर मीटर गेज के डीजल का भी मज़ा लिया है, और लास्ट में डीजल पूरा एल्को EMD भी इन्होंने देखा है। अब हमारे देखते देखते इलेक्ट्रिक लोको भी आ गए हैं। आज इलेक्ट्रिक लोको शायद बड़ौदा सेंट्रल का होना चाहिए, इसमें 14708 जो उसको लेके आएगा वह हम आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अच्छी खासी सर्दी है, हम हैं उदराम सर के पास। आशा करता हूँ मेरा छोटा सा प्रयास संडे का आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो अपना कीमती कमेंट से मुझे लाभान्वित करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चौदह सात सौ आठ दादर से बीकानेर रणकपुर एक्सप्रेस उदराम सर के गहरे ऊंचे ऊंचे टीलों में से निकलने वाली है इलेक्ट्रिक लोको के साथ। सेंटर